दिल्ली में नाबालिग युवती साक्षी की निर्मम हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दीपक जलाकर मार्च निकाला। सिविक सेंटर स्थित अर्जुन रथ के पास पहुंचकर सभी ने साक्षी को श्रद्धांजलि दी और साक्षी के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। बजरंग दल के युवाओं ने कहा कि लगातार हिंदू समाज पर कुठाराघात हो रहा है, चाहे लव जिहाद की बात हो या गौवंश के साथ गलत हरकत करने का मामला हो, हर जगह एक ही समुदाय विशेष का नाम सामने आता है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों को कड़े कदम उठाना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर ऐसे मामलों में सरकार आगे उचित और कड़ी कार्यवाही नहीं करती है तो ऐसे मामलों को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल मिलकर निपटान करेंगे। जैसे कुछ दिन पहले दिल्ली में एक हिंदू बेटी साक्षी, जिसकी हत्या एक साहिल नाम के मुसलमान युवक ने कर दी थी और दिन दहाड़े सबके सामने की थी, और ये एक लव जिहाद का मामला था जिसको लेकर आज विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के नेतृत्व में सारे हिंदू संगठन द्वारा कैंडल दिया लेकर मार्च किया गया और यहाँ पर रथ पार कराकर श्रद्धांजलि दी गई। एक हमारी ये मांग है कि एक कड़ा नियम बने जो इस प्रकार के लव जिहाद में बच्चियों को फंसाते, हिंदू बच्चियों को, उनको फांसी की सजा दी जाए, जिससे कि आगे चल के ऐसा कोई भी ऐसा अपराधी नहीं करेगा। हम चाहते हैं कि ये जो लव जिहादी है इनको फांसी की सजा मिलना चाहिए। अभी आपने देखा भी होगा, दो दिन पूर्व ऐसे ही एक जिहादी था जो गौ माता के साथ दुष्कर्म किया। उससे कुछ दिन पूर्व विहनपुर में भी एक भाई भुवनेश्वर साहू के साथ निर्मम हत्या किया गया। फिर अभी हम देखे हैं अभी कुछ दिन पहले 16 वर्षीय नाबालिग बहन साक्षी के साथ भी ये घटना हो रहा है। बार बार हिंदू समाज बहुत सह चुका है इस चीज को, अब नहीं सहेगा। हम सरकार से भी मतलब चाहते हैं कि कम से कम इसके खिलाफ मोर्चा खोले। कब तक हिंदू समाज मोर्चा खोलेगा? यानी राज्य सरकार मोर्चा नहीं खोलती इसके खिलाफ, लेकिन एक बार मोर्चा खोले और इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं।